अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मैं सऊदी अरब में काम करता हूं और यूपी का रहने वाला हूं। मेरा सवाल ये है कि जुमा का नमाज पढ़ने के बाद तुरंत अकामत करके सेम इमाम सेम जमात के साथ फिर से जुहर का नमाज पढ़ा जा सकता है क्या? ये कहाँ तक के सही है? जिस तरीके से पूरी दुनिया में जुमा का नमाज अदा होता था, उसी तरीके से हमारे गांव में भी जुमा का नमाज होता था, मगर कुछ सालों से एक मौली साहब ने आके थोड़ा सा तब्दीली कर दिया है कि जुमा का नमाज पढ़ने के बाद तुरंत अकामत करके फिर से जोहर का नमाज पढ़ने का उन्होंने इजाज़त दिया है। इसी तरीके से हमारे गांव में अभी नमाज हो रहा है, तो ये कहाँ तक के सही है? इसका जवाब मुझे कुरान और हदीस के रोशनी में चाहिए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप हमारे सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। ये हमारे एक भाई साहब हैं मोहम्मद यूनुस, सऊदी अरब से सवाल कर रहे हैं। इनका पूछना ये है कि इनके गांव में जुमा की नमाज़ पहले हो रही थी जैसे हर जगह होती है, लेकिन कुछ दिन पहले कोई मौलाना साहब आए और उन्होंने ये तरीका वहाँ पे ईजाद किया कि नहीं भाई, जुमा के बाद जहर की नमाज़ भी पढ़िए। तो इनका पूछना है कि कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए कि ये सही है या गलत है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात गलत है, इसके सही होने की कोई गुंजाइश नहीं है। वजह यह है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के बाद ये जहर पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है। यानी कुरान में ना तो कहीं ये हुक्म जिक्र है और ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये जिक्र है कि जुमा के बाद जहर भी पढ़ना है। इसलिए जब कुरान में जिक्र नहीं है, हदीस में जिक्र नहीं है, तो मसला इबादत का है और इबादत के मसले में असल ये है कि उतना ही करना है जितना सबूत मिले। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में कहा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलु अमालकुम, कि अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, वला तुबतिलु अमालकुम, और अपने अमाल को बातिल ना करो। मतलब ये है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से हटकर अगर आप कोई अमल करेंगे तो वो बातिल है। और ऐसे ही सही मुस्लिम की हदीस अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, कि जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं था तो वो अमल रिजेक्टेड है, बातिल है, मर्तूद है। तो कुरान और हदीस दोनों से पता चलता है कि इबादत के मामले में हम अपनी तरफ से कोई तरीका ईजाद नहीं कर सकते। तो जिस मौलाना साहब ने भी ये कहा है कि जुमा के बाद जोहर पढ़ना चाहिए, ये गलत है, इसकी कोई दलील नहीं है। असल मसला मैं आपको बताता हूँ ऐसा कुछ लोग क्यों कहते हैं। दरअसल कुछ लोगों की राय यह है कि गाँव वगैरह में जुमा की नमाज नहीं होती है। ये कुछ लोगों की राय है, अब तो इस राय को मानने वाले बहुत कम हैं। गांव वगैरह में भी लोग जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन किसी दौर में बहुत सारे उलमा की ये राय रही है कि जुमा की नमाज़ हर जगह नहीं हो सकती है, गांव देहात वगैरह में नहीं हो सकती है। फिर ऐसी किसी जगह पे अगर किसी वजह से लोग जुमा पढ़ रहे होते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि ये मामला थोड़ा मुश्तबे है, शक का मामला है, यहाँ जुमा की नमाज़ होगी नहीं होगी, इसलिए क्या करते हैं, जुमा भी पढ़ लेते हैं, जोर भी पढ़ लेते हैं। तो अगर जुमा नहीं होगी तो जोर हो जाएगी, क्योंकि जोर की नमाज़ तो हर जगह हो जाएगी। तो इसको जोहर एहतियाती बोलते हैं, एहतियाती जोहर। तो एहतियात के नाम पर कुछ लोग जोहर की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज गलत है। इबादात में एहतियात नहीं चलता है, सबूत चाहिए, सबूत। एहतियात के नाम पे ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ऐसा नहीं होता है। सबूत चाहिए, कुरान और हदीस से सबूत चाहिए किसी भी इबादत को अंजाम देने के लिए। और हकीकत यह है कि जुमा की नमाज कहीं भी हो सकती है, शहर में भी हो सकती है, देहात में भी हो सकती है, गांव में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। हाँ, ये बात अपनी जगह पर है कि किसी इलाके में कोई बहुत बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, तो जुमा की नमाज वही होना चाहिए, सब लोग जाके वहां पे इकट्ठा होकर जुमा की नमाज पढ़ें। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि हमारे पास कितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिद क्यों ना हो, लेकिन वो तंग है, लोग वहां पे जाते हैं और मस्जिद फुल हो जाती है और जगह नहीं रहती है। तो ऐसे हालात में जाहिर है कि दूसरी मस्जिद में भी जुमा होगा। तो चाहे शहर हो, गांव हो, कहीं भी हो, जगह जगह जो जुमा हो रहे हैं ये अपनी जगह पर सही है। और कुरान और हदीस में ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि गांव में जुमा नहीं होगा, देहात में जुमा नहीं होगा, हर जगह जुमा हो सकता है। जुमा के लिए जो शर्त है, जमात है, मस्जिद है, वहां पर जुमा हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। उसकी जो बुनियादी शर्त है वो जमात है। अगर जमात है, लोग इकट्ठा हैं, तो जुमा पढ़ सकते हैं मस्जिद में इकट्ठा। बल्कि अगर कभी किसी इलाके में मस्जिद नहीं है तो भी कहीं पर लोग इकट्ठा हो गए, जुमा के दिन नमाज पढ़ना चाहें तो वहाँ पे भी जुमा पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसलिए ये जो असल बात है, ये जो लोगों के जहन में है कि पता नहीं यहाँ जुमा की नमाज होगी नहीं होगी, ये बात ही गलत है, ये मुकदमा ही गलत है जिस पर इस अमल की बुनियाद रखी गई है।
ذہن میں پہلے کیا بٹھا لیا گیا ہے کہ یہاں پہ جمعہ کی نماز ہونا مشکوک ہے, اس لیے جب جمعہ کی نماز ہونا مشکوک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, زہر بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اگر جمعہ ہونا ہوگا تو وہ ہو جائے گی, زہر ہونا ہوگا تو یہ ہو جائے گی. تو ایسا نہیں چلتا شریعت میں. شریعت میں جس چیز کا ثبوت ہوگا, جو عبادت ثابت ہوگی, وہی آپ کو کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو احتیاط کے نام پہ دو تین چار چار عبادتیں نہیں اکٹھا کرنا آپ کو. تو خلاصے کلام یہ کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ جمعہ کے ساتھ آپ کو ظہر بھی پڑھنا ہے. صرف جمعہ پڑھنا ہے وہ ظہر کے لیے کافی ہے. ہاں, جو آدمی جمعہ نہیں پڑھ سکا, کسی وجہ سے جمعہ میں حاضر نہیں ہو سکا, وہ ظہر پڑھے گا. لیکن دونوں ایک ساتھ نہیں پڑے گا, جمعہ بھی پڑھیں گے ظہر پڑھ, نہیں نہیں دو نمازیں ایک ساتھ نہیں ہوتی, یا تو جمعہ یا تو ظہر ہوگا. اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جمعہ کے ساتھ آپ ظہر کی نماز بھی پڑھیں. اس لیے جس مولانا صاحب نے بھی یہ بات بتائی ہے, انہوں نے غلط بتایا, ان کو سمجھانا چاہیے کہ دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد نہیں کرنا چاہیے. قرآن اور حدیث سے جو چیز ثابت ہے, جو عمل ثابت ہے, اسی پہ عمل کرنا چاہیے, اور اسی پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو بلانا چاہیے, اپنی طرف سے نئے نئے طریقے ایجاد نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں, آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.